रामपुर में कालू कौवा अपनी पत्नी पीलू चिड़िया के साथ रहता था। कालू बहुत ही गरीब था, वो मेहनत मजदूरी करता था और पीलू दूसरी चिड़ियाओं के घर पर काम किया करती थी। उनके दो बेटे थे। एक दिन कालू कौवा बीमार पड़ जाता है और बहुत दिनों तक उसकी तबीयत ठीक नहीं होती है। पीलू कहती है, सुनो जी, बहुत दिन हो गए, तुम्हारी तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा है, तुम डॉक्टर को दिखा लो। मेरा मन बहुत घबरा रहा है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा और बच्चों का क्या होगा। कालू कहता है, अरे पीलू घबरा मत, मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं फिर भी कल सरकारी अस्पताल जाकर अपना चेकअप करवा लूंगा। अगले दिन पीलू और कालू सरकारी अस्पताल जाते हैं। कालू का चेकअप होता है और डॉक्टर चेकअप करने के बाद बोलता है, इन्हें खून की कमी हो गई है, मैं कुछ दवाई लिख कर दे रहा हूँ, आप इन्हें समय समय पर देते रहना, और हाँ, 2 महीने तक इन्हें आराम करना होगा। पीलू और कालू दवाइयाँ लेकर अपने घर वापस आते हैं। कालू कहता है, पीलू ये दवाइयाँ तो बहुत महंगी आई होंगी, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए। पीलू कहती है, तुम ठीक कह रहे हो, इतने पैसे मेरे पास नहीं थे, इन दवाइयों के लिए मैंने अपना मंगलसूत्र सुनार के यहाँ गिरवी रखवा दी हूँ, जब पैसे आएंगे तो मैं उसे छुड़वा लूंगी। अब तुम आराम करो, मैं भोजन बनाती हूँ। थोड़ी देर बाद पीलू सबके लिए भोजन बनाती है। कालू भोजन करके दवाइयाँ ले लेता है। पीलू और उसके दोनों बच्चे कालू के लिए परेशान रहते हैं। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। इस दौरान पीलू काम पर नहीं जा रही थी, उसका सारा समय सिर्फ कालू की देखभाल पे ही बीत जाता था। कालू पीलू से कहता है, अरे पीलू तू अगर घर में ही रहेगी तो हम दोनों की आमदनी कैसे होगी, मैं तो काम पर जा नहीं पा रहा हूँ, तू कम से कम अपने काम पर जा, तेरे काम से जाने पर हमें थोड़ी बहुत तो आमदनी होगी। कालू की बात सुनकर पीलू वापस से काम करने लग जाती है, लेकिन तब तक उसकी मालकिन ने दूसरी नौकराइन रख चुकी थी। वो पीलू से कहती है, पीलू तू इतने दिन नहीं है तो मुझे किसी और को रखना पड़ा, ये ले तेरी पिछले महीने की पगार। इस तरह पीलू दुखी होकर वापस अपने घर आ जाती है। कालू उससे पूछता है, अरे पीलू तू इतनी जल्दी घर आ गई। पीलू उसे बताती है, जी मेरी मालकिन ने कोई और नौकरानी रख ली है, अब मेरे पास भी कोई काम नहीं रहा, लेकिन मेरी मालकिन ने पिछले महीने की पगार दी है तो थोड़े पैसे मिल चुके हैं। पीलू थोड़ी देर सोचती है, फिर कालू से कहती है, देखिए मुझे जलेबी बनाना बहुत अच्छे से आता है, अब ठंडी का मौसम भी आ रहा है और लोगों को गर्मा गर्म जलेबी मिलेगी तो वो बहुत खुश होंगे। हाँ तेरा ख्याल तो बहुत अच्छा है पीलू, एक कोशिश करके तो देख। अगले दिन से पीलू एक ऑफिस के बाहर गर्मा गर्म जलेबियाँ बनाना शुरू कर देती है। उसकी खुशबू से बहुत सारे पक्षी वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। अरे दीदी जी जरा एक प्लेट गर्मा गर्म जलेबी दीजिएगा तो। टिल्लू भी वहाँ पर जलेबी खाने आता है। टिल्लू पीलू के बच्चों के स्कूल का हेडमास्टर था, वो जलेबियाँ खाकर बहुत खुश होता है। अरे वाह पीलू जी, क्या टेस्टी जलेबी बनाई है आपने, मैं तो इसी बात पे आपके बच्चों को पास कर दूंगा, हा हा हा। इस तरह से बहुत सारे लोग पीलू की जलेबी खाने लगे और उसकी दुकान अच्छी खासी चलने लगी। पीलू अपनी कमाई से खुश हो गई थी। पीलू अपने पैसों से मंगल सूत्र को सुनार के यहाँ से छुड़वा लेती है और 1 महीने बाद ही कालू कौवे की तबीयत भी ठीक हो जाती है। अब कालू भी पीलू के साथ जलेबी की दुकान पर जाने लगता है। कालू पोहा बनाता है और पीलू जलेबियाँ बेचती है। इस तरह से दोनों पति पत्नी अच्छा खासा पैसा कमाते हैं और उनके बच्चे अच्छी स्कूल में शिक्षा पाते हैं। अब वे सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। एक जंगल में एक हरा भरा आम का पेड़ था। आम के पेड़ पर संगीत नाम की एक कोयल रहती थी। उसने बहुत सुंदर घोंसला बनाया हुआ था जिसमें उसके छोटे छोटे बच्चों के साथ वो रहती थी। छोटे होने के कारण वो बच्चे अभी उड़ना सीख ही रहे थे, तो संगीत उनके लिए खुद वो खाना ढूंढ कर ला कर अपनी चोंच से प्यार से खिलाती थी। एक दिन जोरों शोरों से बरसात शुरू हो गई, बिजली गरज रही है, बारिश हो रही है, तभी संगीत के बच्चों को जोर से भूख लगने लगी। माँ भूख लगी है माँ। अरे बच्चों मैं कुछ ना कुछ इंतजाम करती हूँ। देखते ही देखते बच्चे जोर जोर से चिल्ला के रोने लगे। एक बच्चे को देख के दूसरा बच्चा रोने लगा।
माँ माँ मुझे भी भूख लग रही है माँ, कुछ ना कुछ तो दो ना। संगीत को बहुत चिंता हुई। अपने बच्चों को रोते हुए संगीत को नहीं देखा जा रहा था। वह उन सबको चुप कराने की कोशिश कर रही थी, किंतु बच्चे भूख से तड़प रहे थे। माँ देखो ना, कल का कुछ भी हो चलेगा, मैं खा लूंगी। इस बात से संगीत उदास होने लगी, क्योंकि घर में कुछ नहीं था। संगीत सोच में पड़ गई। अरे इतनी जोर बारिश हो रही है, मैं खाना कहाँ से लाऊंगी? मगर मैं खाना नहीं लाई तो बच्चों को भूखा शांत कैसे कर पाऊंगी? ऐसे मन में अपने हिसाब किताब लगा रही है और सोच रही है। काफी सोचने के बाद संगीत ने एक लंबी उड़ान भरी और पंडित जी के घर आ पहुंची। पंडित जी ने प्रसाद में मिले चावल दाल फल सब्जी सब सूखने के लिए आंगन में रखा हुआ था। कोयल ने उसको देखा। अरे यहाँ पे तो काफी सारा भोजन है, मैं अपने बच्चों को जरूर पेट भर खिला सकती हूँ। यह सोचते हुए बच्चों के लिए अपने मुंह में संगीत ने ढेर सारा चावल लिया और पैरों से एक फल भी ले लिया और झटपट वहाँ से उड़ गई। भीगी भागी सी जैसे ही वो घोंसले में पहुँचती है तो सभी बच्चे एक साथ पूछते हैं, माँ आप भीग गए हो? माँ मुझे ना भूख नहीं है, आप बरसात में मत जाओ। बच्चों की बात सुनते हुए संगीत की आंखों में भी पानी आ जाता है और अपने पंख को झटकाते हुए बोलती है, अरे मैं माँ हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, आपका पेट भर जाए इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए। ऐसे कहते हुए सभी बच्चों को प्यार से अपने मुंह में जो दाना लाई थी उसको खिलाती है और फल भी काट काट के वो भी देती है। फल और दाने खाके बच्चों का पेट भर गया, वह सब चुप हो गए और आपस में खेलने लगे। संसार में माँ की ममता का कोई जोड़ नहीं है। अपनी जान पत्ति में डालकर भी माँ अपनी बच्चों की पेट भरती है और उसकी भलाई चाहती है। बच्चे खुश तो माँ भी खुश। ऐसे संगीत और बच्चे बहुत खुशी खुशी से बरसात का मजा लिया। चंपक वन में बबलू अपने बेटा और अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। वो एक गरीब किसान था और केसू की फूलों की खेती करता था और उनसे वो प्राकृतिक रंग बनाया करता था। उस रंग को होली के समय वो बेचा करता था, लेकिन उससे उसकी ज्यादा कमाई नहीं होती थी। एक बार पीलू, अजी सुनते हो, कितनी देर में आपका रंग बनेगा? हमें सुंदरी चाची के यहाँ जाना है, वहाँ पे होली का पूजा है। अरे मुझे थोड़ा समय लगेगा, एक काम करो तुम ही चली जाओ। अरे आजकल के जमाने को तो जरा देखो, कितने होली के रंग आने लगे हैं। तुम ले देकर दो ही रंग बना पाते हो, कम से कम अपने पड़ोसी कालू भैया को तो देखो, उन्होंने अपनी दुकान को कितने सारे रंगों से भर रखे हैं। उनकी दुकान चटक रंगों से भरी हुई है और तुम्हारी है दो रंग। अरे पीलू दूसरों को देखकर क्या मैं अपना काम छोड़ दूं? मेरे बाप दादा भी यही काम किया करते थे, हम प्राकृतिक रंग ही बनाएंगे। और तुम्हें पता तो है पीलू कि असल होली तो इन टेसू के फूलों से बने हुए रंगों से ही खेली जाती है। भगवान श्री कृष्ण भी इन्हीं फूलों के रंगों से होली खेला करते थे। हाँ, पर उस समय ऐसे केमिकल के रंग भी तो नहीं आते थे। अब जमाना बदल गया है, तुम भी बदलो। तो बबलू कहता है, तुम कुछ भी बोलो पीलू, मैं अपना काम नहीं बदलूंगा, ये रंग प्राकृतिक हैं, इनसे कोई नुकसान नहीं होता। तुम समझ भी रही हो तुम क्या कह रही हो? वो रंग कितने खतरनाक केमिकल से बने हुए होते हैं, चमड़ी खराब कर देते हैं। अरे मुझे मत समझाओ, समझाना है तो उन ग्राहकों को समझाओ जो ज्यादा पैसे देकर उन केमिकल से बने हुए रंगों को खरीदते हैं। ऐसा कहकर पीलू वहाँ से चली जाती है। पीलू चाहती थी कि उसका पति बबलू केसू की फूलों की कृषि बंद करके कुछ ऐसा काम करे जिससे उसकी अच्छी कमाई हो, लेकिन बबलू अपना काम बदलने के लिए तैयार नहीं था। ये बात सच थी कि उसके रंग बाजार में मिलने वाले नए नए केमिकल के रंगों के मुकाबले कम बिकते थे, लेकिन जंगल में अभी भी कुछ पक्षियाँ थे जो बबलू से रंग खरीदा करते थे। इस बार बता तूने कैसा रंग बनाया है? राम राम काका, देखो इस बार फूलों की कितनी अच्छी खेती हुई, तो रंग कितने अच्छे खिले खिले बने हैं। हाँ रंग तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, मैं इस बार ज्यादा खरीद कर लेके जाऊंगा। बबलू खुश होकर उन्हें रंग देता है। अरे लेकिन क्या बताऊं, मेरा लड़का अपने बेटे के लिए बाहर से केमिकल का रंग खरीद कर लाया है और पिचकारी भी लेकर आया है,
वो लोग तो समझते नहीं बात को कि प्राकृतिक रंग क्या होते हैं। ऐसा कहकर कालू वहाँ से चला जाता है। बबलू की दुकान पर बहुत कम लोगों ने रंग खरीदा। दूसरी तरफ कालू की दुकान बहुत जोरों शोरों से चल रही थी। वो शहर से जो भी रंग खरीद के लाया था सबका सब बिक गया था। आज दुकान जल्दी बंद कर दी। हाँ बबलू भाई, क्या करूँ, सारा माल बिक गया है। आज मैं शहर जाकर और माल खरीद कर लाऊंगा। वैसे तुम्हारा क्या हाल है, कुछ कमाई धमाई हुई कि नहीं? अरे नहीं भाई, मेरी इतनी कमाई नहीं होती है। माफ करना बबलू भाई, लेकिन तुम ज्यादा बुद्धिमानी भरा काम नहीं कर रहे हो। पहले फूलों की खेती करो, उनको सुखाओ, फिर उसके बाद मेहनत करके उनसे रंग निकालो। ये सब झंझट आज के जमाने में कौन पालता है। देखो मैं तुम्हारा धंधा खराब तो नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे भी तो कमाई जमाई करनी है। केमिकल से बने रंग ही मुनाफे का सौदा है। देखो तुम्हारी दुकान तो चल नहीं रही है, क्यों ना तुम मेरी दुकान में काम करने लगो। अच्छी पगार दे दूंगा, मुझे भी भरोसेमंद कबूतर मिल जाएगा। बताओ क्या कहना है तुम्हारा? अरे नहीं भैया, मैं आपके यहाँ अभी काम नहीं कर सकता हूँ। मेरी जो भी कमाई है मैं उससे संतुष्ट हूँ। अरे बबलू, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। ऐसा कहकर कालू वहाँ से चला जाता है। पर बबलू अपनी मेहनत से प्राकृतिक रंग बनाना जारी रखता है और होली का त्योहार आ जाता है। जंगल में सभी धूमधाम से होली मना रहे थे, लेकिन बबलू के घर में उतनी खुशी नहीं। पीलू दुखी थी कि उसके पति की कमाई नहीं हो रही है और वो उसे कहती है, अरे अजी देखो ना, पूरी जंगल कितनी खुशी से त्योहार मना रहा है और एक हम है, हमारे पास त्योहार मनाने के लिए पैसे ही नहीं है। आखिर क्या काम आया तुम्हारा रंग बेचने का काम, वो भी होली की जैसी त्योहार में। पूरे जंगल में पक्षियाँ मिलजुल कर बहुत खुशी के साथ होली मना रहे थे, मगर थोड़ी ही देर के बाद उन सब के शरीर में अजीब सी जलन होने लगी और खुजली भी होने लगी। वो सभी पक्षी परेशान हो गए। वे लोग नदी में जाकर नहाने लगे और जब रंग उतरा देखे कि उनके पर जल चुके हैं। वे सभी डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने उनकी जाँच की और कहा, अरे आप लोग क्या रंग से होली खेल रहे थे कि तेजाब से? देखिए कैसे आपके पर जल चुके हैं, आप सबको स्किन इन्फेक्शन हो गया है। लगता है बहुत ही हानिकारक रंग से आप लोगों ने होली खेली है। उन पक्षियों की घर वाले काले कौवे को घेर लेते हैं और उससे पूछते हैं कि वो ऐसा कौन सा रंग लाता था। कालू उन्हें कहता है, अरे अजीब लोग हो आप लोग, आप लोगों को तो पता ही है कि मैं केमिकल के रंग बेचता था। आप लोग खुशी खुशी लेके जाते हो और अब मुझ पे इल्जाम लगाते हो। कालू की बात सही थी, सभी अपनी मर्जी से उसके यहाँ रंग खरीदे थे। अब तो सबकी होली खराब हो चुकी थी। अब कुछ समय बाद जब वो सारे पक्षी ठीक हुए तो वो सभी बबलू के घर पहुँचे और उससे बोले, अरे बबलू भाई, तुम ही प्राकृतिक रंग बेचा करते थे, अब हम फिर से होली मनाएंगे और पूरे जंगल के लिए तुम ही रंग बनाओगे। ये सुनकर बबलू बहुत खुश होता है। अब हर साल बबलू से ही पूरे जंगल वाले उसके प्राकृतिक रंग खरीदते हैं। इस तरह बबलू काफी सारा पैसा कमाने लगता है। एक बड़ी सी जंगल थी। उस जंगल में नदी के किनारे एक पेड़ पर कबूतर रहता था। उसी जंगल में एक दिन कहीं से एक मधुमक्खी भी गुजर रही थी। अचानक से वह एक नदी में जा गिरी। उसके पंख गीले हो गए। उसने बाहर निकलने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं निकल सकी। जब उसे लगा कि वह अब मर जाएगी तो उसने मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे कोई तो मुझे बचाओ बचाओ, मैं नदी में गिर गई हूँ, मैं उड़ नहीं पा रही हूँ, मुझे नदी से बाहर निकालो। तभी पास के पेड़ पर बैठे कबूतर की नजर उस पर पड़ गई। कबूतर ने उसकी मदद करने के लिए तुरंत पेड़ से उड़ान भर ली। नदी के पास जाकर बैठने वाली कबूतर सोचती है, अरे इसको कैसे बचाएं? ये तो इत्तू सा मधुमक्खी है। हाँ आइडिया, ऐसे कहते हुए एक तरकीब सोचती है। कबूतर ने एक पत्ते को अपनी चोंच में पकड़कर उसे नदी में गिरा दिया और मधुमक्खी से कहा, अरे मधुमक्खी आप ना इस पत्ते पर बैठ जाओ, मैं अपनी चोंच में इसे लेके नदी से बाहर उड़ जाऊंगी। हाँ आपकी आइडिया तो बहुत ही अच्छी है, आप बहुत होशियार हो, मैं जरूर उस पत्ते पे बैठ के नदी पार करूंगी।
वह पत्ता मिलते ही मधुमक्खी उस पर बैठ गई। थोड़ी ही देर में उसके पंख सूख चुके थे, तब वह उड़ने के लिए तैयार थी। इस बात को कई दिन बीत चुके थे। एक दिन वही कबूतर गहरी नींद में सो रही थी और तभी एक लड़का उस पर गुलेल से निशाना लगा रहा था। कबूतर गहरी नींद में थी इसलिए उसे इस बात की एहसास नहीं हुई, लेकिन उसी समय वहाँ से एक मधुमक्खी गुजर रही थी जिसकी नज़र उस लड़के पर पड़ गई। यह वही मधुमक्खी थी जिसकी जान कबूतर ने बचाई थी। अरे बदमाश लड़के, कबूतर सो रहा है तो उसको निशाना बना रहे हो, देखो मैं क्या करती हूँ। मधुमक्खी तुरंत लड़के की ओर उड़ गई और उसने जाकर सीधे लड़के के हाथ पर डंक मार दिया। मधुमक्खी के काटते ही लड़का तेजी से चिल्ला पड़ा। उसके हाथ से गुलेल दूर जाकर गिरी। अरे बहुत जलन हो रही है, मधुमक्खी ने मुझे काट लिया, अब मैं क्या करूं? कहते हुए रोने लगा। लड़के की रोने की आवाज़ सुनकर कबूतर की नींद खुल गई थी। वह मधुमक्खी के कारण सुरक्षित बच गई थी। कबूतर को सारी माजरा समझ में आ गया। उसने मधुमक्खी को जान बचाने के लिए धन्यवाद बोली। अरे मधुमक्खी, तुम तो मेरी जान बचाई, वरना इस बदमाश लड़के ने तो मुझे निशाना बना लिया था। अरे मैंने आपकी उपकार नहीं भूली। ऐसे दोनों बात करते हुए जंगल में उड़ गए। हमें भी जरूर मुसीबत में फंसे व्यक्तियों को मदद करनी चाहिए, इससे हमें भविष्य में इसके अच्छे परिणाम जरूर मिलते हैं। अच्छा कर्म से अच्छा फल। मल्हार नगर में डोलू मोलू दो भाई थे। दोनों खूब खेलते, पढ़ाई करते और कभी कभी खूब लड़ाई भी करते थे। एक दिन दोनों अपने घर में पीछे खेल रहे थे। मुझे वो बैट दो, मैं पहले बैटिंग करूँगा। मैं क्यों दूँ, मैंने टॉस जीता है। दोनों में अनबन शुरू हो गई, मगर क्रिकेट तो खेलना था दोनों को। तभी वहाँ पे उसके दादाजी आते हैं। क्यों झगड़ रहे हो बच्चे, देखो ना दादाजी, मैंने टॉस जीता है, मुझे बैटिंग करने नहीं दे रहा है। अरे बोलू, टॉस अगर उसने जीता है तो उसको देना चाहिए ना। तो मोलू कहता है, टॉस जीता तो क्या हुआ, आने से पहले हम दोनों में बात हुई थी कि मैं पहले बैटिंग करूंगा। ऐसे इन दोनों की झगड़ा देखते हुए दादाजी को कुछ समझ में नहीं आता है। तो दादाजी सोचते हैं इन दोनों को खेलना तो है, मगर खेलने से पहले झगड़ा खत्म करना है। तो दोनों बच्चों को सामने बुलाते हैं और बिठाते हैं। बिठा के उनको समझाते हैं कि दूसरों की भलाई या तो खुशी में अपनी खुशी छुपी होती है। दादाजी के बात मानते हुए मोलू ने डोलू को बैटिंग करने के लिए दिया। जब वो दोनों खेल रहे थे, वहाँ एक कमरे में बिल्ली के दो छोटे छोटे बच्चे थे। उनकी रोने की आवाज सुनाई दी। ये दोनों वहाँ पे जाकर झांक के देखते हैं, बिल्ली की माँ कहीं गई हुई थी। दोनों बच्चे अकेले थे। डोलू मोलू को पहले समझ में तो नहीं आया कि बच्चे क्यों रो रहे हैं। तो डोलू कहता है, लगता है इनकी माँ इन्हें छोड़ के चली गई है। अरे शायद उसकी माँ खाना ढूंढने गई होगी। ऐसे दोनों में चर्चा शुरू हुई, मगर बिल्लियों ने जोर जोर से चिल्लाना बंद नहीं किया। तब दोनों ने तय किया है कि उनको भूख लगी है, इसीलिए वो चिल्ला रहे हैं। तब उनको दादाजी की बात याद आती है। दादाजी ने समझाया था कि दूसरों की भलाई में हमें खुशी मिलती है। तो दोनों दौड़ के दादाजी के पास जाते हैं और कहते हैं, दादाजी दादाजी, बिल्ली के बच्चों को बहुत भूख लगी है। आप चलिए ना, देखिए ना, हमें समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। दादाजी को इनकी बातों का जरा सा भी अंदाजा नहीं था, तो समझ में भी नहीं आया। तो दादाजी इन दोनों के साथ चलते हैं कि बिल्ली की बच्चे कहाँ है देखने के लिए। दादाजी ने देखा कि दोनों बिल्ली के बच्चे भूखे थे। दादाजी ने उन दोनों बिल्ली के बच्चों को खाना खिलाया और, अरे डोलू मोलू, जाओ और एक एक कटोरी दूध लेके आओ। जब डोलू मोलू ने दो कटोरी भर के दूध लाया, तो बिल्ली की बच्चों के सामने वो दूध रख के उनको दूध पिलाया। तब जाके बिल्ली की बच्चे की भूख शांत हुई और दोनों बच्चे चिल्लाना चीखना बंद कर दिए। उनकी चीख बंद होने से डोलू मोलू बहुत खुश हुए
और दादाजी ने डोलू मोलू को शाबाशी दी। शाबाश डोलू मोलू, आप दोनों ने दूसरों के भूख समझे और दोनों बिल्ली के बच्चों को खाना भी खिलाया और दूध भी पिलाया, तो क्या हम इनके साथ खेल सकते हैं दादाजी? दादाजी मन में ही मुस्कुराते हुए, हाँ क्यों नहीं, अब ये भी तुम्हारे दोस्त हैं। तो डोलू मोलू दो के साथ दो दोस्त मिल गए, इस बात को समझते हुए बहुत खुश हुए और बिल्ली की बच्चों के साथ खेलते कूदते अपने दिन बिताए।